सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है पब्लिक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना गेम प्ले जो कि है डेड बाई डे लाइट मोबाइल। तो आज हम लेके चलेंगे अपनी लड़की को, और लड़की है हमारी मैग थॉमस। अब मैग हमारी बड़ी भाई अप टू डेट लड़की है, इसको लेके चलते हैं। और हमने आज सर्वाइवल मोड लगाया हुआ है और हम आज खेल रहे हैं प्रो हार्ड लॉबी। प्रो हार्ड लॉबी का मतलब है कि प्रो प्लेयर्स आएंगे आगे सामने हमारे, वो हमें पेलेंगे, हमने उनसे बचना है। अब जो रीपर आएगा या जो किलर आएगा वो होगा एक प्रो प्लेयर। हम पता नहीं क्या करते हैं, पहले तो सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन आज का कोई पता नहीं है सर्वाइव करते हैं कि नहीं। मैंने आपको जैसे कि बता दिया है कि ये प्योर प्रो लॉबी होगी, और प्रो जब प्लेयर्स आते हैं तब आपको पता ये क्या होता है हमारे साथ और क्या होगा हमारे साथ। अभी देख लेते हैं। अपनी कोशिश तो यही होगी कि 5 जनरेटर को जल्दी से हम रिपेयर करें और आराम से तितर हो जाएं। लेकिन ये जो प्रो प्लेयर आ रहा है, किलर है, ये नहीं छोड़ेगा, और जब ये छोड़ेगा नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो देखते हैं आज का हम इनका क्या कर पाते हैं, कुछ कर पाते भी हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन चलें ठीक है। तो ये हमारा आ गया है रैंसिड एबाटायर कोल विंड फार्म में हम आ गए हैं। और हमारा जो है रिपर पता नहीं किधर है, अब प्रो है, और ये मैप कुछ ऐसा है कि समझ नहीं आ रही, बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैप लग गया ये वाला तो। और ये रिपर, ये पहला जनरेटर तो मैंने पकड़ लिया है, इसको हम रिपेयर कर रहे हैं आराम से, जल्दी से रिपेयर कर देते हैं अब। और ये रिपर पता नहीं कहाँ पे है या किलर है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुई, अच्छा प्रो लॉबी है ना। तो भाई जनरेटर ने आवाज़ कर दी है, अब तो भाई उसको पता चल गया यहाँ कोई बंदा है, अब मैं टारगेट हो सकता हूँ। वो देखो रेड निशान भी आ गया, बिल्कुल रेड निशान का मतलब है कोई मार पीछे आ रहा है। और ये भैंस की दिल भी मेरा धड़कने लग गया, धक 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 धक, भाग भाग भाग, वो सामने आ गया मेरे, वो तेरी भैंस की रेडी, भाग, ओए भाग, ओए एक पड़ गई मुझे, अबे भैंस की दूध निकल जा, अबे फिर यार ये देखो, मैंने बोला था ना ये बहुत प्रो प्लेयर है, ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा हमारा, इसने मुझे बिल्कुल ही इंजर्ड कर दिया है। कोई हील कर दो यार, ये बस सेल्फ रिकवर करता हूँ, सेल्फ रिकवर हो गया तो भी बचत हो जाएगी, और अगर किसी ने मुझे हील कर दिया तब भी बचत हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि मुझे कोई हील कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसने दूसरे को भी जाके इंजर्ड कर दिया है। प्रो प्लेयर है ना वो, चलो एक बंदा आ गया, मुझे जल्दी से रिपेयर कर, मुझे रिपेयर कह रहा हूँ, मुझे हील कर दो यार जल्दी से, मेरी बच्ची को हील कर दो, प्यारी बच्ची को। बंदा क्या होगा इसके बाद, किंग प्रो प्लेयर जो है वो आके फिर ना पेल दे मुझे, मैं चुप करके यहाँ पे जाके जनरेटर को दोबारा रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब इस कदर का प्रो प्लेयर आया है कि उसने एक भी जनरेटर को हमें रिपेयर नहीं करने दिया, रिपेयर करने देगा तो कुछ बनेगा, एक और इंजन पड़ा हुआ है और मैं भी ब्लीड आउट हो रहा हूँ। भाई क्या होगा, ये कैसे करना है, ये तो एक को भी नहीं करने दे रहा, ये लगता है कोई एक्सट्रीम लेवल का प्रो प्लेयर हमारी लॉबी भी आ चुका है जो हमें कुछ भी नहीं करने देगा। ये मैं तो ब्लीड आउट हो रहा हूँ, फिर से आ गया, मैं चुप करके करता रहता हूँ, मैं कोई साउंड नहीं करूँगा, अब उसे पता नहीं चलेगा, साउंड किया तो भाई पता चल रहा है। ओह ये क्या हो रहा है, ये फिर रेड हो गया काम, लगता है फिर वो बिल्कुल पास आ गया है। दिल भी तक तक करना शुरू हो गया, लगता है पास है बिल्कुल मेरे वो, अबे तेरी भैंस की डंडी यार, ये फिर मेरे पास इंजर्ड कर गया कमीना। और भाई साहब ये जनरेटर को भी ठुडे मार रहा है ताकि जनरेटर भी कोई ना रिपेयर कर पाए, जितना रिपेयर किया था वो भी ख़त्म हो जाए। लो मुझे बोर्डे पे उठा लिया इसने, अबे यार मैं विगल करता हूँ यार, विगल से जल्दी शायद जल्दी वो छोड़ दे, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि वो छोड़ेगा। ये तो मुझे लेके जा रहा है शमशान घाट की तरफ, और ये मुझे लटकाने लगा है यार, ये वो तेरी भैंस की डंडी लटका दिया, ख़त्म। कोशिश करता हूँ शायद यहाँ से मैं निकल जाऊँ, लेकिन उम्मीद नहीं है, यहाँ से निकल नहीं सकता, 4% ही एस्केप के चांसेस होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ। आई डोंट नो कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि वो कमी, वो देखो मेरी मौत आ गई बिल्कुल पास मेरे, और ये निशान भी आ गए मेरे मारने वाले, मेरे पेट में घुसने लगे चाकू। ओ तेरी भैंस की, पकड़ लिया मैंने इसे एक दफ़ा तो मैंने रोक लिया, लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये आ जा मुझे बचा ले एक दफ़ा। चलो टीमेट आ गया, उसने मुझे बचा लिया, लेकिन कहानी तो अभी वही चल रही है ना, मैं बच तो गया हूँ लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होना बचने का, अभी तक 5 जनरेटर में से एक भी रिपेयर नहीं हुआ, मतलब तुम समझ सकते हो कि वो कितना प्रो प्लेयर आया हुआ है जो ये किलर है।
एक्सट्रीम लेवल का हार्ड किलर आ गया भाई, हार्ड किलर है ये। इसको बंदा अब कैसे बचे मुझे तो समझ नहीं आ रही, और इसमें स्पॉट कैसे हो रहा हूँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, स्पॉट आउट कैसे हो रहा हूँ मैं, मेरे पाँव से शायद कुछ हो रहा है, ये क्या है, इधर घुस जाता हूँ, इधर भी कोई जनरेटर पड़ा हुआ है, ये क्या, ओए ये गोश्त पड़ा लग लटका हुआ है, कोई बकरे शकरे बकरे हैं क्या, बाहर लगा जानवर है, अरे भैंस की डंडी। चलो मैं इसको अनलॉक करता हूँ, कोई पावर शावर निकाल लेता हूँ यहाँ से, चुप करके पावर निकालता हूँ ताकि वो कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और मैं जल्दी से जाके जनरेटर को रिपेयर कर दूँ, ऐसे तो नहीं काम चलेगा यार। ये पता नहीं कैसी लॉबी बनी है और ये कैसा प्लेयर आ गया हमारी लॉबी में, इस कदर कोई मतलब कमीना आया है ना, इस कदर मैं इसको क्या बताऊँ यार, कोई समझ नहीं आ रही मुझे, कोश लटका हुआ है और ये जान खाएगा और वो बंदे भी मार रहा है यार, ये कैसे कैसे क्या होगा यार, मैं जाके क्या करूँ, मैं उसको जाके बचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है मैं इसको उठाता हूँ, उठ जा उठ जा, इसको भी हिल, वो सामने फिर रहा है, वो सामने फिर रहा है, अबे यार ये सामने फिर, ये मुझे भी मारेगा आके, अबे हिल हो जा, निकल जा निकल 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 निकल, रुकी ना तुझे मैंने फिर से उसे मार दिया, अबे यार उसको फिर पेल दिया उसने, तेरी भैंस की डंडी भाई, किलर क्या मनहूस किलर आया भाई आज तो, आज तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा, मेरे तो पीछे पड़ गया, मेरे बिल्कुल मेरे पीछे है, ख़त्म, वो इसके पास कोई पावर है, ये कुछ कर रहा है यार, ये मैं फिर गया, अब तो ख़त्म, अब तो मैं मरने वाला हूँ यार, विगल विगल करता हूँ शायद बच जाए, क्योंकि दो तीन बंदों को उसने लटका दिया है, अब मेरी बारी है, मुझे भी लटका दिया, और यार एक भी जनरेटर को नहीं हमने करनी, वो तेरी बस की, ख़त्म। तो गाइस हम एस्केप तो कर नहीं पाए, लेकिन हम सेक्रीफाइस तो ज़रूर हो गए हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो काइंडली सपोर्ट कर दो, ऐसे ही अच्छे अच्छे गेम प्ले आते रहेंगे और भाई का दिल भी बड़ा होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले गेम प्ले में, अल्लाह हाफिज़।